माकियाक, ये खाने में तो नॉर्मल पान जैसा लग रहा है, फिर इसमें चॉकलेटी क्या था? मेलेडी ज्यादा चॉकलेटी है कि ये दिन ज्यादा चॉकलेटी है, आप ही बताओ। शेयर करूंगी। आज 24 घंटे के लिए मैं खाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से बने डिशेस, यानी आई एट चॉकलेट फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपको चॉकलेट पसंद है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपकी फेवरेट होने वाला है, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी मजेदार वीडियोस के लिए, और मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर में दिन का पहला चॉकलेटी डिलीशियस ब्रेकफास्ट के साथ। देखते रहिए। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं एप्रन पहन रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपना आज का जो ब्रेकफास्ट है उसे प्रिपेयर करूंगी। और तो गाइस, आज के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक एक्सट्रीम ट्रिपल चॉकलेट पैनकेक, और इससे ज्यादा चॉकलेटी पैनकेक ना तो आपने देखा होगा ना कभी खाया होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पैनकेक मिक्स, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और उसके साथ बस पानी मिला के आपको जो है पैनकेक पहले बना लेनी है। इट इज एक्सट्रीमली ईजी, और आप देख भी सकते हो मैंने यहाँ पर दो पैनकेक को बहुत ही आराम से बना लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ चॉकलेट। सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है नॉर्मल मेल्टेड ब्राउन चॉकलेट, के ऊपर दूंगी मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट, और अभी ना मेरी जुबान लप-लप हो रहा है, रियली लप-लप। एंड अप विद सम चॉकलेट सिरप फ्रॉम हर्शी, और आप देख सकते हो हमारा टेस्टी सब पैनकेक तैयार है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस स्मेल कर रहा है। मैं लेके आ चुकी हूँ मेरी सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि है चॉकलेट पैनकेक, और ये है पहला चॉकलेटी डिश ऑफ द डे। मेरी लिपस्टिक है कि चॉकलेट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इट इज सो गुड। फिलहाल मैं कुछ और खाऊंगी। कॉर्नेटो, व्हाट इज दिस? इसके अंदर ना पूरा चॉकलेट इट्स एंड बिसेस है। दिस इज ओरियो वाला जो चॉकलेट है, क्वालिटी वर्ड्स का वो। खाई लो आज, ठीक है, और मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद ये सब साफ करके। देखते रहिए। मेरा बहुत ज़्यादा मन था दोपहर में चॉकलेट ब्राउनी और साथ में आइसक्रीम खाने का, बट क्योंकि आज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ दिवाली के वजह से, और ये चैलेंज भी दिवाली स्पेशल है, मतलब दिवाली के पहले थोड़ा मीठा तो ज़रूरी है ना, तो मैंने डिसाइड किया है क्यों ना घर पे ही बनाया जाए कुछ अपना कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक एगलेस चॉकलेट केक, और ये है ओरियो चॉकलेट केक, जिसके लिए मैंने चॉकलेट केक की जो मिक्स है वो लिया है। उसके अंदर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और साथ में मैंने दिया है थोड़ी सी पानी, और इसका जो मिक्स मैंने बना लिया है। एंड अभी मैं एक बोल में थोड़ा सा जो बटर है उसको स्प्रेड किया है, उसके अंदर मैं ये पूरा केक मिक्स को डाल दूंगी। बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है, और अगर आपको केक मिक्स कैसे बनानी है ये जाननी है, तो आप मेरी बंगाली चैनल वाली वीडियो देख सकती हो चॉकलेट, वहां पर मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाया था। देख सकते हो ऊपर से मैंने कुछ ओरियो को क्रम्बल करके भी दे दिया है, और अभी मैं एक प्रेशर कुकर लूंगी और इसके अंदर केक को बिठा दूंगी, और केक चेक करने का बहुत ही
सिंपल तरीका होता है, चाकू डालना होता है। आप देख सकते हो केक अभी भी बना नहीं है क्योंकि चाकू के अंदर पूरा जो मिक्स लग रहा है। तो मैं इसको और कुछ देर बेक करूंगी यार। आफ्टर दैट आवर केक इज कम्प्लीटली रेडी। देख सकते हो कितना ज्यादा फ्लफी बना है, कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, डार्क चॉकलेट ब्राउनी जैसा। कट करूंगी और इसके साथ मैं ऐड करूंगी वैनिला आइसक्रीम, नहीं क्योंकि चॉकलेट चैलेंज है, तो मैं ऐड करूंगी चॉकलेट आइसक्रीम। और मेरा ना आज वॉइस ओवर देने में बड़ा तकलीफ हो रहा है गाइस, मेरा जबान सिर्फ लप लप हो रहा है। और यहाँ पर मैंने 2 स्कूप आइसक्रीम डाल दिया है और ऊपर से मैंने दे दिया है चॉकलेट सिरप। और हमारा जो दिलचस्प लंच है अभी रेडी हो जाएगा जब मैं ऐड करूँगी 2 पीस किटकैट। इससे ज़्यादा डिलीशियस लंच कुछ हो सकता है? मैं फाइनली आ चुकी हूँ मेरी दोपहर का लंच लेके, ये चॉकलेटी लंच लेके। और सबसे पहले लूँगी मैं केक जो मैंने बनाया है। सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन गाइस, केक और आइसक्रीम सो गुड। मैं थोड़ी सी और आइसक्रीम लेके आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डोज के साथ, देखते रहिए। मेरी लंच हो चुका है और मैं अभी ये ड्रेस और मेकअप पूरा रिमूव कर लूंगी। ये कैवेंटर्स का जो मिल्क शेक है वो भी था, तो और मूव ऑन करेंगे। लेट्स डू। सो गुड। मजा आ गया। एक और गुड करेंगे, देखो। तो गाइस मैंने पहन लिया है ये क्यूट सी चॉकलेट कलर की ड्रेस, ये घर पे पहनने के लिए मैंने लिया है। और चॉकलेट फूड चैलेंज है तो चॉकलेट कलर की ड्रेस तो बनता है ना। तो स्किन केयर तो हो चुका है, अभी मैं खाऊंगी ये हर्शीज के किसेस। ओह माय गॉड, देखो छोटे। और आपको भी किस दूंगी और मैं आपसे मिलूंगी कुछ ही देर के बाद, देखते रहिए। तो गाइस अभी आई हूँ मैं किचन में, और किचन में ना आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस स्नैक। सबसे पहले जो मैं बनाने वाली हूँ वो है चॉकलेट वाली पॉपकॉर्न। मैंने बस उसके बारे में सुना है, कभी मैंने खाया नहीं है, टेस्ट नहीं किया है, बनाना तो बहुत दूर की बात है, पहली बार आज बनाने वाली हूँ। चलिए ये चॉकलेटी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने नॉर्मल जो बेसिक एक्टू वाला बटर पॉपकॉर्न है उसी को लिया है, आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हो। और यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न को मैं पॉप करने के लिए रख दूंगी, अभी मैं बना लूंगी चॉकलेट सॉस। मैंने यहाँ पर बॉर्नविल का जो डार्क चॉकलेट है उसको सबसे पहले मेल्ट किया है। अब मैं क्लीन बर्तन लूंगी, स्टिक पैन लेना ताकि चॉकलेट जल ना जाए, और उसके अंदर दे दूंगी एक छोटा स्पून फुल ऑफ बटर। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर मैं डाल दूंगी वही बॉर्नविल का मेल्टेड चॉकलेट जो मैंने रखा था बना के, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी चॉकलेट सिरप। ये हर्शीज की चॉकलेट सिरप है, इससे जो है एक अच्छा सा ग्लेज आएगा सॉस में, एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली डिलीशियस। आपको बस हिलाते रहना है, जैसे ही ग्लेज बन जाए इसके अंदर आप जो बने हुए पॉपकॉर्न है उसको डाल दो और थोड़ा सा हिला के आप निकाल लो। दैट इज इट, एंड योर चॉकलेट पॉपकॉर्न इज ऑल रेडी। और अभी मैं करूंगी इससे भी भयंकर एक्सपेरिमेंट जो कि है ग्रीन टी वाली चॉकलेट, मतलब चॉकलेट ग्रीन टी। ऐसा एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको पायल देशमुख के चैनल में ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी बनाया है और ये है स्टिक फॉर्म में हॉट चॉकलेट है जिसको मैं गर्म ग्रीन टी के अंदर डाल दूंगी। और इधर पे मेरा चॉकलेट पॉपकॉर्न भी रेडी हो चुका है। जब तक मेरी ग्रीन टी वाली हॉट चॉकलेट बन रहा है, नॉर्मल इंसान ऐसे हॉट चॉकलेट दूध में मिला के पीते हैं, पर मैं नॉर्मल थोड़ी हूँ, मैं तो बिल्कुल पागल हूँ आप जानते हो, तो इसलिए मैं ग्रीन टी में हॉट चॉकलेट डाल के पी रही हूँ। एंड मैं लेके आ चुकी हूँ शाम की स्नैक्स और जो मैं पहली बार ट्राई करूंगी। तो सबसे पहले इसको ट्राई मारते हैं, फिर मैं आपको बाकी का चीजें दिखाती हूँ, ठीक है? इट्स क्रंची।
चॉकलेट पॉपकॉर्न है ना, माइंड ब्लोइंग जबरदस्त है। आवाज सुनाई दे रहा है ना कितना क्रंची है, पर इसमें चॉकलेट का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। इट्स टेस्टी बट नॉट टू स्वीट। द बेस्ट थिंग थ्रू आउट द डे आफ्टर द लंच। नहीं कैसा होगा क्योंकि इसको दूध में मिलाया जाता है, मैंने ग्रीन टी में मिलाया है। जिसको मेरे जैसा बिना मीठा का चॉकलेट पसंद है उसे ये जरूर अच्छा लगेगा। सो नॉट बैड, गुड। मुझे ग्रीन टी से मतलब है, चॉकलेट वाला ग्रीन टी हो, बिना चॉकलेट का ग्रीन टी हो, जैसा भी हो, बस ग्रीन टी। एंड दिस बार इज एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक क्योंकि जब छोटी थी ना, मेरे पापा व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल या फिर वो चेंबर से जब भी घर वापस आते थे, ही यूज्ड टू ब्रिंग वन फॉर मी। बचपन की याद जो होता है ना, ताजा हो गया। तो मेरे पास है ये चॉकलेट पान, इसको मैंने स्विगी से मंगवाया है, चॉकलेट पान, ठीक है। इसके अंदर है, मैं दिखाती हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं है इसके अंदर। ओह माय गॉड, देखो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर चॉकलेट सिरप है। स्मेल तो इसका नॉर्मल पान जैसा ही कर रहा है, चॉकलेट ही तो नहीं कर रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा, लेट्स ट्राई। वैसे मुझे पान ज्यादा पसंद नहीं आज। ये खाने में तो नॉर्मल पान जैसा लग रहा है, फिर इसमें चॉकलेट ही क्या था। 70 रुपए ले लिया मुझसे। बहुत ही आम पान जैसा खाने में है। I was expecting something more different, something more unique। मुझे लगा मेरे मुंह के अंदर चॉकलेट का फाउंटेन निकलेगा, मेरे नाक से चॉकलेट की सर्दी बहेगा। बाकी इट इज जस्ट अ पान। I don't know मुझसे क्यों 70 रुपए ले लिया। तो मैं मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद, रात में। बहुत क्या हो गया इधर पे। मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद, रात में। फाइनली मैं आ चुकी हूँ रात के डिनर लेके, और आप तो जानते हो कि रात के डिनर में मैं क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ ये चॉकलेट मोमोज। मुझे लगा दिस विल बी वेरी यूनिक एंड ऑफ कोर्स अ परफेक्ट वे आज की चैलेंज एंड करने के लिए, बट फिलहाल मेरी लिमिट खत्म हो चुका है। मुझे पता नहीं ये मुझे मजा लग रहा है कि सजा लग रहा है, आई रियली डोंट नो, बट मैं खाऊंगी। फिलहाल मैं एक ही पीस खाऊंगी, बाद में अगर मैं कोशिश करूंगी तो खाऊंगी, नहीं तो रख दूंगी। एक बार फिर से चॉकलेट देख के ना मुझे अजीब सा हो रहा था, पर जैसे ही मैंने इसको बाइट किया, इसको चबाया ना, तो इसके अंदर ब्राउनी है। आई थिंक दिस इज चॉकलेट ब्राउनी, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि मैं भूल ही गई कि मुझे उल्टी क्यों लग रहा था। आप तो जानते हो मेरी वीडियोस बिल्कुल भी आपके कमेंट के बिना इनकम्प्लीट है। अनुश्री शाह ने, उन्होंने लिखा है, आई पर्पल यू दिस सो मच अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड लवली चैनल, वॉट यू ईट दे आर सुपर डुपर टेस्टी, दे आर फेवरेट ऑफ माइन टू। तो मैं बताना चाहूंगी अनुश्री, थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्यूट कॉमेंट एंड आई पर्पल यू टू। नेक्स्ट जो कॉमेंट किया है, आज की फाइनल कॉमेंट उन्होंने किया है, पोलिना अख्तर हीरा, उन्होंने कहा है, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो पायली, मैं आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, सो टैलेंटेड गर्ल एंड यू आर सो स्मार्ट, आई लव यू दी। आपको बोलना चाहती हूँ सबसे पहले वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट, इट रियली मीन्स अ लॉट, आई लव यू टू। गाइस आज की वीडियो यही तक है, आई होप आपको ये जो चॉकलेटी वाला डिलीशियस चैलेंज है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को एक ह्यूज थम्स अप दे दीजिए,
कीजिएगा, एटलीस्ट 20 के लाइक देने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज्यादा बिल्कुल भी डिमांड करती नहीं हूँ, जितना आपका मन करे आप दे दीजिएगा। और हाँ, बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।